सो हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आई एम प्रवीण सिंघानिया एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग बहुत मस्त होंगे, मजे में लाइफ में से ग्रोथ करते रहोगे। तो आज की राइडिंग चलो शुरू करते हैं। सो थंबनेल देख के आप लोग समझ गए मैं सवारी कहाँ की तरफ चल रही है, और आप भी जब सवारी चल रही है खुद पता नहीं है कहाँ जा रही है। बिकॉज क्या हो गया कि मेरी थोड़ी तबीयत ना मॉर्निंग से अचानक से ज़्यादा ख़राब हो गई है, और रात को 1:30 बजे तक मेरा पूरा प्लानिंग, पूरा पैकिंग, पूरा अरेंजमेंट हुआ था गणपति पुले रत्नागिरी जाने के लिए। स्टे वगैरह सब मैंने देख लिया था। अच्छी बात है कि मैंने स्टे बुक नहीं किया था, पर मॉर्निंग में मेरी जैसी अभी हालत लग रही है, मुझे 9 घंटे की राइड मुझसे नहीं होती थी जाने के लिए। रत्नागिरी ऑलमोस्ट वो हमारे यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैंने वो कैंसिल करके मैंने अभी जस्ट आज सोचा, लो आज का दिन वेस्ट नहीं करना, कि बहुत मुश्किल से शेड्यूल फिक्स करके टाइम मिला है। तो मैं निकल रहा हूँ लोनावला के साइड। लोनावला ही क्यों मुझे भी नहीं पता, बस मैं जा रहा हूँ। और अभी कुछ आइडिया नहीं है कि मैं वहाँ पे स्टेकेशन करूँगा, वन डे रिटर्न आऊँगा, कुछ भी नहीं पता है मुझे। चल के देखते कैसा क्या है। कुछ नहीं होगा तो फिर अपना हॉस्टलर वाले भाई से मेरी बात हुई है, जिसको पता नहीं लास्ट टाइम मैं हॉस्टलर में रुका था, वो भाई से मेरी बात हुई है। तो उन्होंने बोला है कि आप बिंदास आ जाओ, रूम्स रहेगा नहीं रहेगा आप ऑन द स्पॉट अगर कर लो, हम अरेंजमेंट करवा के दे देंगे। हमारे भाई की पहचान देख रहे हो। सो वही देखते हैं, कि जब टाइम निकाला है, पैकिंग हुआ है, तो प्लान कैंसिल करने से अच्छा कहीं जाके आते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए अपडेट भी तो लाना है, आप लोगों के लिए व्लॉग्स भी तो बनाने हैं। सो वही आज है ट्यूसडे, अभी टाइम हो रहा है 8:25, और रास्ते पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है मैं क्या बोलूँ। इसलिए मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना पसंद आता है, बिकॉज अभी 2 घंटे का रास्ता ना कैसे 3 घंटा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा मुझे। ठीक है, सो मैं निकल तो रहा हूँ अभी ट्रैफिक से, आगे मिलके फिर आपसे मैं करता हूँ बात। ठीक है, चलो बाय बाय। तो एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, जो नीरल टू मतलब रास्ता था ना, वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब कि जब मैं अर्ली मॉर्निंग में कभी जाता था ना, तो वो टाइम पे गाड़ी ऐसे रहती थी कि एक दो बार स्किड हो गई थी गाड़ी मेरी हल्की हल्की, तो फिर उसके वजह से ये रास्ता ना बहुत मेरा मन करता अवॉइड करूँ। मतलब मैं ऐसे हमेशा प्लान ज़्यादा बनाता ही नहीं था, बट कैसा हो गया ना अभी कि देखो रास्ता कितना बॉम्ब बना दिया लोगों ने। सो गाइज, हम लोग ना माथेरान पहुँचने वाले हैं, और मैं कहीं भी जाऊँ ना, मतलब लोनावला पुणे कहीं इसी साइड में जाऊँ, तो मुझे ना ये ज़रूर बीच में आता है। मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे कभी आके ना रुकूंगा, स्टे करूँगा, क्योंकि ना मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें ना दिखाते हैं कि माथेरान तो डे में हम सब लोग घूम चुके बहुत बार, बट माथेरान का ना एक ऐसा एरिया है मतलब जो ना नाइट के लिए बहुत फेमस है। सुन लो पहले पूरी बात, फेमस किस सेंस में, मतलब कि वहाँ पे लाइट्स वगैरह, पार्टी वगैरह, खाना वगैरह सब चलता है, मतलब अच्छे से, मतलब शॉप्स वगैरह ओपन होती हैं, आप वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हो नाइट में ऐसा, और ये एक्सपीरियंस तो लेना बनता है, क्योंकि माथेरान कैसा एक पहला हिल स्टेशन जहाँ पे आपको व्हीकल्स अलाउड नहीं है, वो नो व्हीकल जोन है, तो आपका व्हीकल भारी पार्क होगा, तो आपको जो भी घूमना है, जो भी करना है, पूरे जंगल में रात में उसे चल के करना पड़ेगा। वो एक्सपीरियंस सुन के मस्त लगता है, बट जैसे आप लोग को पता है मुझे मेरे गोकू से बहुत ज़्यादा प्यार है मेरी बाइक से, तो वही प्रॉब्लम है कि जो मैं ना रात भर के लिए बाइक बाहर छोड़ने पर सोचता हूँ, क्योंकि ना जब वहाँ पे मैं लास्ट टाइम मैं गया था पार्किंग के लिए, तो मैंने देखा था वो लोग ना पार्किंग वाली गाड़ियों को कैसे भी मतलब बहुत ख़राब ढंग से खड़ी करते हैं। और मेन चीज़ कैसे है ना कि मोस्टली पार्किंग वाले एरिया का रूल ये होता है कि आप ना व्हीकल का हैंडल लॉक नहीं कर सकते, कि हैंडल लॉक करने पे क्या होता है वो शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, कोई व्हीकल अगर उसके आगे लगे तो निकल नहीं पाता है, तो इसलिए व्हीकल का हैंडल लॉक नहीं कर सकते। तो फिर बिना हैंडल लॉक किए छोड़ने का सोचने के लिए लगता है, पर कैसे हमारे पास अभी डिस्क लॉक है,
अगर हम बिना हैंडल लॉक के भी छोड़ेंगे ना तो भी गाड़ी को यहाँ से वहाँ लेके जा नहीं पाएगा। तो ये प्लस पॉइंट हमारे पास है एक ही, लेट्स सी देखते हैं। और सबसे मतलब मेरे घर से ना सबसे नियर बाय जो है वो सिर्फ माथेरान है, क्योंकि बस माथेरान पहुँच भी गए हम लोग अभी, राइट साइड पे दिख रहे हैं। माथेरान कुछ 74 किलोमीटर, सॉरी 47 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। 'm so sorry कि मुझे पता है माइक ना कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट डोंट वरी, मैंने माइक ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है। और नेक्स्ट ब्लॉग से मे भी ये जो नेक्स्ट कोई सीरीज निकलेगी उसमें से आपको शायद कोई अच्छा एक वॉइस सुनने मिलेगा अच्छे माइक का। एंड आपको थैंक यू सो मच, किस लिए? वो इसलिए कि आपने भीमा मुंबई टू भीमा शंकर वाले व्लॉग पे बन के पूरा कर दिया है व्यूज, और वो देखने को बहुत मज़ा आता है ऐसा कुछ बन बन के देख के। प्लीज़ ऐसे ही सब्सक्राइब भी कर दो यार, हमारे सब्सक्राइबर 918 हो गए। प्लीज़ ये लोग आवला का जो व्लॉग डालूंगा ये वाला, तो ट्राई करो कि फ्रेंड्स को शेयर कर सब्सक्राइब करने बोलो कि व्लॉग आते ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। आप लोगों ने ना मुझे स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया है, ऐसे ही करते रहो। और ट्राई करो कि अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो कि मुझे नई नई ऑडियंस मिले, मुझे नई नई फैमिली मिले और मैं और अच्छे से ग्रो कर पाऊँ और आपके न्यू न्यू ब्लॉग्स ला पाऊँ, ठीक है? और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, सरप्राइज उसको बता देता हूँ मैं कि 2 महीने के अंदर हम गोवा का राइड मारेंगे फॉर श्योर। आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ 2 महीने के अंदर गोवा का राइड मारेंगे, मतलब अप्रैल निकलेगा जून के अंदर गोवा का राइड मारेंगे, तो मारेंगे लगा लो शर्ट, तो वो भी बाइक पे, गोकू पे, ट्रेन से नहीं, ना 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 करेंगे वो भी गोकू पे। 14 घंटे की राइड है विदाउट ब्रेक, इसके पहले एक जैसे सीरीज और लेंगे अच्छे से, अपने बाइक को सबको मेंटेन करवाएंगे, बाइक वगैरह आ जाए, राइडिंग पैंट लेंगे उसके बाद फॉर श्योर देखना। उल्लासनगर टू गोवा 650 किलोमीटर दूर है, करेंगे। जो लोग हैं ना जो नॉन बाइकर्स हैं, मतलब जिनको राइडिंग उतना पसंद है, बाइकिंग पसंद नहीं है, उनको भी शायद बताना चाहता हूँ कि एक बार चलाना चालू कर लो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में मैं भी ना एक्टिवा ही चलाता था, मेरी बाइक एक्टिवा थी, हमारे करीब पहली गाड़ी में भी है वो एक्टिवा, और मुझे क्या था कि एक्टिवा बहुत कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दोनों हाथ में ब्रेक, रेस बनाएगा साइकिल, उसके बाद तुम आराम से 3 लोग बैठ के जा सकते हो, डिग्गी में सामान आ सकता है, बहुत ज़्यादा मस्त, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, माइलेज अच्छा खासा था, सब चीज़ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद जब मैंने बाइक लिया ना तब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ राइडिंग के मामले में, और अब इससे मुझे इतना प्यार हो गया है कि मैं सोचता हूँ कि जहाँ पे अगर मेरा 500 खर्च हो रहा है मैं ट्रेन में बैठ के जाऊँगा, मतलब वहाँ पे 1000 बाइक पे लग रहा है, तो मैं बाइक से जाना ही प्रिफेर करता हूँ, भले मेरा बॉडी पेन करे, मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़े, पर बाइक पे घूमने पे ना एक अलग फील आता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आपको कोई भी जगह से रुक के दिखा सकता हूँ, बट ट्रेन में कैसे, ट्रेन अपनी स्पीड पर चलेगी और मैं आपको वो चीज़ें इतनी करीब से, इतनी पास से नहीं दिखा सकता, तो ये चीज़ें रहती हैं। ट्रेन जर्नी बहुत अच्छी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लेजेंड है जो ट्रेन जर्नी करते हैं, मंकी मैजिक और बहुत सारे जो 100 डेज के चैलेंज लेते हैं, और भी लेजेंड है, वंडर था जो रशिया, जो पूरा यूक्रेन, जो सब बाइक पे अपना कवर कर चुके हैं, वो मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। उन्होंने 6 महीने लगा के पूरा लद्दाख का पूरा रोड जो है वो पूरा कवर किया है, पूरा मतलब वो पूरा इंडिया का पूरा कवर हो गया है वो है, और सबसे जो एकदम टॉप पे आते हैं, मतलब उनकी तो वो गिनती में ही नहीं, हम टॉप पे आते हैं, वो मुंबई कर निखिल, लेजेंड लेजेंड बाय लेजेंड, कंसिस्टेंट
तुमने देखा अभी वो लिटरली मेरा हाथ ना एकदम वो जोर से मैंने किया। प्रेजेंस ऑफ माइंड रोड पे बहुत जरूरी है, आपने देखा। और आज पहली बार राइडिंग ऐसा है जिस दिन ना मैंने अपने अपने ये नी गार्ड नहीं पहने। फर्स्ट टाइम है, कोई भी ऐसा प्लीज मत करो। मैंने किया है क्योंकि मुझे मेरा होटल बुक नहीं है, और लोनावला में होटल बुक करते करते ऑलमोस्ट 12-1 बजे चेक इन होता है। तो मेरा ये प्लान था कि मैं यहाँ से जाके बीच में जो टाइम मिलेगा मैं आपको वो वैक्स म्यूजियम वगैरह दिखाऊंगा। और वो कैसे फिर राइडिंग नी गार्ड पहन के नहीं होता, एक टाइम पे मैं बैग छोड़ दूँ गाड़ी पे पर नी गार्ड पहन के नहीं घूम पाता मैं। तो गाइस प्लीज, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी इसी से डील करना। बट जो प्लीज राइडिंग स्टार्ट की है या जितना एक्सपीरियंस नहीं हुआ वो प्लीज ध्यान दो। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। सो गाइस फाइनली जिसका तुमको इंतजार था, लोनावला घाट इज स्टार्ट। यहाँ पे बहुत हरियाली दिख रही है बीच बीच में यार। तो गाइस ये 125 cc की बाइक है और ये मुझे इतना सपोर्ट करता है ना, इतने में मैं क्या बताऊँ। तो ये हमने सही मायनों में दूसरा हॉल्ट लिया। पहला हॉल्ट तो लिया था हमने कि जाओ साइड से गाड़ी आई थी उसकी वजह से रुकना पड़ा था, और ये दूसरा ब्रेक हमने अभी लिया। कोई मेरी फोटो खींच दो भाई, अच्छी अच्छी तो यहाँ पे ना सब कपल्स के साथ है, सब जो कपल्स नहीं है वो जोड़े बना के हैं, अकेला मैं ही दिख रहा हूँ इधर। गाइस तो लद्दाख वाला सीन हो रहा है। सो यस वी आर इन हॉस्टेलर जेब्बात। अब तो लगता है घर जैसा हो गया ये। हाँ
कैसे हो? हाँ, बाकी वो गार्ड दूसरा चेंज हो गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा